हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज हम बात करेंगे सीएमए इंटर के ग्रुप वन के बारे में। दिसंबर 24 में अगर आप अपेयर होना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा ली है, एग्ज़ाम फॉर्म आपको पता है ओपन हो चुके हैं, और हम सोच रहे हैं कि क्या दिसंबर 24 में हमारे पास चांस है कि ग्रुप वन तैयार हो जाएगा। कंप्लीट पॉसिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सब कुछ A to Z डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है बच्चों सीए संदीप लोढ़ा, और हम बात करने वाले हैं सीएमए इंटर के ग्रुप वन के बारे में दिसंबर 24, कंप्लीट पॉसिबिलिटी के साथ, और किस तरीके से आपको टाइमिंग कितने घंटे पढ़ना होगा, सब कुछ A to Z छोटी सी वीडियो में बात करेंगे। अगर आप सीएमए इंटर की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, दिसंबर 24 की वैलिडिटी के साथ आपको कंप्लीट पैकेज आपको मिलने वाला है सिर्फ 7999 में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुनाई दे रहा है आपको, 7999 में कंप्लीट ग्रुप अवेलेबल होगा, हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर के साथ, अनलिमिटेड व्यूज के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी कंटेंट, MCQ बुक के साथ, प्लस पास्ट ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक, और बहुत ही क्वालिटी नोट्स के साथ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे सबसे पहले सीएम इंटर ग्रुप वन में। आपको जैसे कि पता है, कुल मिला के हमारे चार पेपर हैं, बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, DT IDT और कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, अब हमारे पास देखा जाए कुल मिला के समय है कितना, 10 दिसंबर को हमारे पेपर शुरू हैं, तो तकरीबन तकरीबन आप मान के चलिए 4 तारीख आज हो ही गई है, तो आप 3 महीने पकड़ के चलिए, 3 महीने हमारे पास हैं। तो 3 महीने में हमारे पास पॉसिबिलिटी बनती है पूरा ग्रुप तैयार करने की, बनती है सब्जेक्ट टू द कंडीशन। कंडीशंस क्या हैं, देखिए आप, अगर आप डेली के, अगर आप 8 घंटे मिनिमम, 6 से मतलब 8 घंटे अगर आप अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर आपका ग्रुप वन पॉसिबल बनता है। और थोड़ा सा इसके साथ एक छोटी सी कंडीशन और लगेगी कि आपको प्लानिंग प्रॉपर करके चलनी पड़ेगी, रैंडमली आप पूरा ग्रुप ऐसे ही नहीं तैयार कर सकते। सेल्फ स्टडी में तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, उसका कारण बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि आपको पता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बहुत सारे चैप्टर एड ऑन किए हुए हैं इंस्टीट्यूट ने, लॉ का भी सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है, ठीक है, तो आपको टीचर की प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, ठीक है, स्ट्रेटेजी चाहिए कि आपको किस तरीके से सेलेक्टिव बेसिस पर चैप्टर करने हैं, ठीक है, शुरुआत में कौन से करने हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात करें सिंगल सिंगल सब्जेक्ट के, बात करते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो बहुत ईजी हैं और बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ आते हैं, ठीक है, जैसे कि फाइनल अकाउंट हो गया आपका, NPO हो गया, ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ये इंस्टीट्यूट के ऑल टाइम फेवरेट हैं, ठीक है, इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। ऐसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग लगा लीजिए, कॉस्ट अकाउंटिंग है, इसमें आपका आपका कॉस्ट शीट है, बहुत ही फेवरेट, इजी, सबसे इजी, मटेरियल कंट्रोल है, ठीक है, ओवरहेड कंट्रोल है, ये इजी और इंस्टीट्यूट के ऑल टाइम फेवरेट वाले चैप्टर हैं, में से आता ही आता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, MCQ को बहुत अच्छे तरीके से पकड़ में लेकर आना है, 30 मार्क्स के जो MCQ हैं, मान के चलिए ये आपके 60% पास होने की जो पॉसिबिलिटीज़ है उसको बढ़ा देंगे। अब आप हमारे ग्रुप वन के अगर आप MCQ कंटेंट देखेंगे, तो आपको 100% गारंटी हो जाएगी, श्योरिटी हो जाएगी कि भाई हाँ यार, इससे बाहर तो क्या होगा। उसमें आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन कवर हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक जितना भी आई टेक का था पिछले कम से कम 10 सालों का, वो एड ऑन कर रखा है, ठीक है। उसके अलावा आपके जो मॉडल टेस्ट पेपर वगैरह हैं, वो सब कुछ भी कवर कर रखे हैं इसी में ही, ठीक है ना। तो इसलिए आपको बहुत ही मज़े से आपके 30 नंबर पक्के हो जाएंगे जो हर सब्जेक्ट में आपके हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए तकरीबन हमारे जो लेक्चर्स हैं हर सब्जेक्ट के, तकरीबन तकरीबन ऑन एन एवरेज 100 आवर्स के लगा के चलिए, FA को छोड़कर, FA थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, और DT IDT भी, ठीक है, तकरीबन आप एवरेज 100 से 110 घंटे लगा के चलिए। तो इसका मतलब है, जैसे मैंने आपको बोला, 6 से 8 घंटे अगर आप करते हैं, तो बड़े ही आसानी से आपको हो जाएगा आपका सिलेबस। वो कैसे, ठीक है, मान लीजिए आप शुरू में FA+ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है,
तो आप तकरीबन 3 घंटे देते हैं एफए को, 3 घंटे देते हैं कोस्ट को, ठीक है? तो तकरीबन तकरीबन आपका 1 महीना, 1 मंथ एंड 1 वीक के अंदर अंदर आपका ये दोनों सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे, 1 महीना 1 हफ्ते के अंदर अंदर, ठीक है? उसके बाद आप 1 महीना 1 दिन और पकड़ लीजिए या 1.5 महीना पकड़ लीजिए। अब आपका बच्चा क्या बिजनेस लॉ, डीटी एंड आईडीटी, ये आपका थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है, इसको आप नेक्स्ट 1.5 महीना ले लीजिए, इसको आप 1.5 महीना ले लीजिए, ठीक है? इसके लिए आप तकरीबन 6 से 7 घंटे टोटल, मतलब 6 से 7 घंटे इन दोनों सब्जेक्ट को अगर आप दें, ठीक है? 6 से 7 घंटे अगर आप इन दोनों, 3 साढ़े 3 घंटे मान लीजिए, तीनों को शुरू कर दिया, बिजनेस लॉ 3 घंटे कर दिया, डीटी आईडीटी आपको पता है ज़्यादा नहीं है, ठीक है? अब 3 घंटे आपने ये दिए, और 1.5 और 2 की रेशियो में 1.5 घंटे डीटी को दे दिए, 1.5 घंटे आईडीटी को दे दिए, तो बहुत ही हंस खेल के 1.5 महीने में ये तीनों सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट आपके कंप्लीट खत्म हो जाएंगे, लिख के ले लो, ठीक है? क्योंकि बिजनेस लॉ मान लीजिए आपका 1.5 महीने कितने दिन हो गए आपके, 45 दिन, 45 दिन टू 3 कर दीजिए, बड़े आराम से आपके हंस के 1.5 महीने में, 1.5 महीने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा आपका। तो तकरीबन आपके 2.5-3 महीने में आपके ख़त्म हो गए ये कंप्लीट सिलेबस, और तकरीबन आपके पास 15 दिन, मिनिमम 15 दिन आपके पास रिवीजन के लिए बचेंगे। अब इसमें से मैंने आपको ये चीज़ पूरी नहीं बताई, 6 से 7 घंटे अगर आप देते हैं इसको, 1.5-2 घंटे जो एफ ए और कोस्ट किया, वो 1.5 महीने में साथ साथ थोड़ी 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 रिवीजन भी करते जाइए, 1-1.5 घंटे की एवरेज से, जिससे क्या हुआ आपका एफ ए और कोस्ट भी अच्छे तरीके से रिवाइज हो गया, एफ ए और कोस्ट भी अच्छे तरीके से रिवाइज हो गया, प्लस बिजनेस लॉ डी टी आई डी टी तो साथ साथ चल ही रहा था। अब लास्ट 15 दिनों में आपको डी टी आई डी टी रिवाइज करने का भी टाइम मिल गया, और अच्छी बात यह है जो बच्चा एक ग्रुप देता है उसको हर पेपर में छुट्टी भी है, तो तकरीबन हर पेपर के लिए तकरीबन हमारे पास 2 दिन का समय बच जाता है, ठीक है ना? इससे बेस्ट वे नहीं हो सकता ग्रुप 1 को तैयार करने का। हाँ, जिनके लेक्चर्स 200-250-300 घंटे के हैं सिंगल सिंगल सब्जेक्ट, फिर उसके लिए तो आपको कम से कम अभी से स्टार्ट करना होगा, और जून 25 में जाके आपका ग्रुप 1 रेडी हो पाएगा, मिनिमम से मिनिमम, ठीक है जी? अगर आप जून 25 के लिए भी क्लासेस लेना चाहते हैं तो बहुत ही, उसके लिए तकरीबन आपकी 9,000 रुपीज़ में आपका कंप्लीट ग्रुप अवेलेबल हो जाएगा, हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर के साथ, और हार्ड कॉपी नोट्स भी लीजिए साथ में, ठीक है? तो वो आप खुद भी प्रिंट निकलवा सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी की कोई कॉस्ट नहीं होगी, ठीक है? तो आज के लिए इतने ही बच्चों, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं, और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कीजिए, आपको रेगुलर कंटेंट मिलता रहेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।